आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। इसको चरितार्थ किया है पटना के अभिमन्यु ने। इंजीनियरिंग करने के बाद किसी कंपनी में नौकरी करने के बजाय खुद की कंपनी खोली और 4 सालों की कठिन मेहनत के बाद बनकर तैयार हो गया वागा मोटर्स की इलेक्ट्रिक 3 पहिया स्कूटर। इसका प्रयोग कॉलेज कैंपस, चिड़ियाघर, टूरिस्ट प्लेस, बिजनेस पार्क, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, स्मार्ट सिटी जैसे जगहों पर हो सकता है। ये बेसिकली एक 3-व्हीलर स्कूटर है जो कि शॉर्ट कम्यूट के लिए, जो अभी एक सेगमेंट है माइक्रो मोबिलिटी, तो उसके अंदर हम लोग इसको कैटर करना चाह रहे हैं। जो हमारा टारगेट मार्केट होता है वो ये है कि कॉलेजेस हो गए, जैसे कि बड़े कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे चलने के लिए बहुत ज़्यादा होता है, तो उन सब जगहों के लिए है। कॉलेज, टूरिस्ट प्लेस, जू हो गया, बिजनेस पार्क्स, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, स्मार्ट सिटीज़, उन सब जगहों के लिए। तो उन सब जगहों पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपको चलना बहुत है। अब जैसे कुछ कुछ टूरिस्ट प्लेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कि पेट्रोल व्हीकल वगैरह तो पूरी तरह से बैन किया हुआ है, कि 1-2 किलोमीटर पहले ही आपको रोक दिया जाता है कि आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते। तो उन सब जगहों पे हम लोग इसको डाल सकते हैं एज अ रेंटल सर्विस, कि भाई आप जाओ वहाँ पे, क्यू आर कोड स्कैन करो, व्हीकल अनलॉक हो जाएगी और आप यूज़ करो इसको। कि हम लोग इसको एज अ लाइक, जैसे कि आपकी कोई बड़ी कंपनी है, तो बड़ी कंपनी है तो बड़ा कैंपस होगा आपका, स्टाफ को कम्यूट करना है, तो उसके लिए आप, आपके खुद के स्टाफ के लिए भी आपको अगर चाहिए तो आप लोग परचेज कर सकते हो। तो पूरे पूरा एक तरह से एक पैकेज होता है, तो वो हम लोग उसको भी प्लान कर रहे हैं कि स्टाफ के लिए, स्टाफ कम्यूट के लिए आराम से आप लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खरीद सकती है इसको। अभिमन्यु बताते हैं कि इंजीनियरिंग करने का मकसद ही अपनी खुद की कंपनी खोलना था। कंपनी के लिए मार्केट स्टडी के दौरान उनको ये ख्याल आया कि एक ऐसा वाहन बनाया जा सकता है जो कम दूरी को तय करने के लिए कारगर हो। इसी सोच के साथ अपनी कंपनी वागा मोटर्स का पहला प्रोडक्ट 3 पहिया इलेक्ट्रिक स्कूटर पर काम शुरू हो गया। ख्याल तो देखिए क्या है कि मैंने बीटेक किया है BIT पटना से, तो ऐसा है कि बहुत टाइम से, मतलब मैं बीटेक करने का मेरा पर्पस था कि मुझे कंपनी चलानी, मतलब कंपनी खोलनी है। तो उसके बाद हुआ कि यार करना क्या, बनाना क्या है, तो फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम देखते 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 मुझे फिर दिखा ये सब चीज़ कि भाई नहीं, ऐसा कुछ एक होना चाहिए कॉलेजेस के अंदर भी और कॉलेज के बाहर भी। अगर किसी बच्चे को बाहर जाना है तो वो इसको यूज़ कर सकता है, क्योंकि मेरा मतलब BIT पटना ज़्यादा बड़ा कैंपस नहीं है, बट वहाँ से मार्केट आने के लिए थोड़ा सा, तो वहाँ से मुझे ये आइडिया आया। फिर इस आइडिया को और भी ज़्यादा वो इवॉल्व करते करते बहुत सारे सेगमेंट्स मिल गए, तो वो पूरी तरह से हो गया। ये हमारा 7वां डिज़ाइन है। हाँ, 5वां हुआ था, नहीं 6ठा हमने बनाया प्रोटोटाइप 1, उसके बाद ये 7वां है प्रोटोटाइप 2। अभी इसके बाद 2-3 मॉडल और बन चुके हैं, डिज़ाइन मतलब सॉफ्टवेयर पे तैयार है, बट उसको प्रोटोटाइप में डालना है। उस उन चीज़ों पे हम लोग काम कर ही रहे हैं। तो दिक्कतें ये आती है कि अब जो नॉर्मल चीज़ें हैं कि भाई फंडिंग की दिक्कत है, सोचना कहाँ से है, कैसे मैनेज होगा, क्योंकि हर कोई बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं आता है, हर कोई कंपनी चला के नहीं आता है। हम लोग नए हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो हम लोग को सब कुछ देख के चलना है, क्या नई चीज़ें होती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए थोड़ा बहुत सोचना पड़ा। और अब 4 साल हो गए हैं, अब जाके थोड़ा सा एक विज़न सही होता हुआ दिख रहा है कि भाई जो विज़न मैं लेके आया था वो सही चल रहा है। 2019 से मैंने स्टार्ट किया था, मैंने खुद डिज़ाइनिंग सीखी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ बट मैकेनिकल भी मैंने बहुत पढ़ा है और डिज़ाइनिंग भी मैंने सीखा। तो अभिमन्यु की स्टार्टअप कंपनी वागा मोटर्स की यह 3 पहिया स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत है कि अगर आप साइकिल चलाना भी नहीं जानते हैं फिर भी इसको चला सकते हैं। ये बेहतर संतुलन का एहसास दिलाती है। इसमें पावर किट लगा है जो बैटरी ऑपरेटेड है। अधिकतम स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको चलाने के लिए किसी भी प्रकार की लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी खासियत यह है कि स्टेबल राइड है। सबसे पहली चीज़ तो ये थी हमारी कि स्टेबल राइड होनी चाहिए, यूनिक राइड एक्सपीरियंस के लिए हम लोग जाने चाहिए। तो यही है कि आप इसमें, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गाड़ी चलाना नहीं भी जानते हैं, साइकिल चलाना भी नहीं जानते, आप इसको चला सकते हैं वेरी इजीली। इसमें सीट नहीं है क्योंकि हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लाने का कोशिश, बार बार आपको बैठना उठने की ज़रूरत नहीं है। ये एक फिक्स हाइट पे है, 5-6 इंच के हाइट पे आप आराम से इजीली मैनूवर कर सकते हो कहीं भी। एंड इसकी खासियत यह है कि इसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर पर आ रही है, जिसको चलाने के लिए आपको लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। एंड इन प्रमाइसेस, प्रमाइस के अंदर ये स्पीड बहुत अच्छी है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैटरी ऑपरेटेड? हाँ, इट इज़ टोटली बैटरी ऑपरेटेड। एंड
अभी तो ये एक चार्ज पे 30 किलोमीटर दे रही है, बट हम लोग इसको 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर पे रखेंगे इन फ्यूचर। पटना से लोकल अटिंग के लिए सच्चिदानंद की रिपोर्ट।